मुझसे बात करो। बताओ। तुमने मुझ में कुछ चेंज नोटिस किया? तुमने हेयर कट कराया? तुमने ड्रेस अपना नया लिया है ना? अच्छा है, नाइस। नहीं, ये तो मैं पहले भी पहन चुकी हूँ। ओ, आज तुम्हारा मूड अच्छा है, ये चेंज है तुम्हारा। हाँ, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी तारीफ करो। हाँ तो अच्छी लग रही हो ना। मायर, हाँ तुम्हें पता है कि डैड मुझसे अब तक नाराज हैं, इसलिए मैं सोच रही थी कि अगर तुम और मैं उनसे मिलने चले जाते, उन्हें भी अच्छा लगेगा और मेरा भी बहुत दिल चाह रहा है कहीं जाने का। तुम्हारी सास ने मुनीब को खरीद कर तुम्हारे लिए इस्तेमाल किया, और बड़े बहनोई के मुंह से इतना सब कुछ सुनने के बाद मायर ने जो अपनी आंखों से देखा था उसे और सच मान लिया। तुम्हारे कैरेक्टर पर उंगली मायर ने ही नहीं, सवाल मुनीब ने भी उठाया है। अजीब बात कर रही हो। एक तो तुम बात बात पे तुम्हारा मूड जो खराब हो जाता है। मैंने कब कहा कि हाँ मैंने नहीं जाना? हर चीज तुम्हारे तरीके से नहीं हो सकती ना, इस बात को समझो। मायर, जब मैंने तुम्हें हनीमून पर चलने के लिए कहा तो तुमने मना कर दिया, और अब जब मैं डैड से मिलने के लिए जाने का कह रही हूँ तो भी तुम्हारा सेम जवाब है। तो तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी इस तरह की बातों पर मैं रिएक्ट नहीं करूं तो क्या करूं? तो मैं कब मना कर रहा हूँ जाने से? लेकिन मैं कह रहा हूँ कि घर में एक मसला चल रहा है, अच्छा थोड़ी लगेगा कि तुम और मैं निकल जाएं। खुद सोचो इस बात को। देखो, मूड ऑफ करने से कुछ नहीं होगा, इस तरह हमारे बीच में चीजें नहीं चल सकती यार। मैं चाहता हूँ कि हमारे दरमियान चीजें ठीक रहें। एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कभी भी साथ नहीं चल पाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि हमारी रोज इस तरीके से फजूल बातों पे लड़ाई होती रहे। आई होप यू अंडरस्टैंड, प्लीज मुनीजा। ये रोज रोज का लड़ना, छोटी छोटी बातों पे मूड ऑफ करना, बस कर दो।